लेकर मैं विक्टोरियस किड्स में पढ़ता हूँ PYP 4E। मैंने ये आर्ट बनाई है तो अब मैं बताऊंगा इसे कैसे बनाता है। पहले ऐसा एक कार्डबोर्ड का पीस काटो, फिर उसके बाद उस पर एक ड्राइंग बना, फिर उस पूरी ड्राइंग पे गम लगाओ। पर क्योंकि हमारे पास वैसा गम नहीं था जो फूलता है, हमने इस पर पहले गम लगाया, फिर उसके ऊपर धागे काट कर चिपकाए। फिर उसके बाद अनिश, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये डिजाइन क्या है? ये डिजाइन, ये आदि मानव के जमाने, जब ही कबीले के लोग होते थे, ये उनके जमाने का है, एज अ ट्रेजर, ये खजाना है। तो उसके पीछे मेरी सोच थी कि इसे एकदम खजाने की तरह बनाने के लिए इसमें शाइन आनी चाहिए। यहाँ पर है सिल्वर, यहाँ पर है गोल्ड। तो अब मैं बताऊंगा इसे कैसे बनाते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप एक साइड पर एक कपड़ा लो और उसे गोल्ड पेंट में रब करो या फिर जो भी आपको पसंद हो। फिर उसे एक कार्डबोर्ड या फिर किस भी चीज पर थोड़ा वाइप करो, फिर इसके ऊपर पेंट करो। पर क्योंकि मेरे पास गोल्ड नहीं था, मैंने कपड़े से भी नहीं किया, मैंने पेंट ब्रश और नेल पेंट से ही गोल्ड सेट किया है। तो उसे रब करो तो थोड़ी थोड़ी गैप्स बच जाती है जो उसे एकदम ये स्टोन इफेक्ट देती है। पर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए और धागा लगाना हो जाए तो ये इसको पूरी तरह से ब्लैक पेंट कर देना, ताकि उस पे पथरीला इफेक्ट आए। फिर यहाँ पर आप जो गैप्स देख रहे हैं वहाँ पर ब्लैक कलर है, तो यहाँ गोल्ड और यहाँ सिल्वर। आप उसे दो कलर का बनाएंगे तो अच्छा ही है, नहीं तो आपकी मर्जी, आप कौन से भी कलर का। यहाँ पर मैंने बनाया है एक पॉपकॉर्न होल्डर। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट इसीलिए है ताकि आप इसमें से पॉपकॉर्न देख सको। पहले एक बॉटल लो, उसका ऊपर का हिस्सा काटो, फिर उस पर आर्ट अटैक पेस्ट लगाओ, यह मैंने वीडियो में लिखा है। तो पानी और ग्लू के मिक्सचर को इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दो, पर उससे पहले पीसेस बनाओ कार्डबोर्ड पे, उसे काट लो, फिर उस पर चिपकाओ, फिर आर्ट अटैक पेस्ट लगाओ, फिर इसे अच्छे से पेंट कर दो। वेरी गुड। और ये सभी खिलौनों का सिर्फ नाम बता देना ताकि अपने को छोटा सा गिफ्ट दे। और ये है एक चिल्लाने वाला कप्स। वाह, ये है एक ड्रैगन की नाव, ये है एक गेम। आप सोच रहे होंगे ये कैसा गेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिज्जा है मिनी, इसके पीछे क्ले भी चिपका है वजन के लिए। तो इसे ऐसे उठाओ, आप देख रहे हो उसका मुंह खुला है। वेरी गुड। तो ये सारे काफी सारे खिलौने अभी आपने एक क्वारंटाइन दिन में बनाए और बनाया है। यहाँ पे टॉकिंग लिप्स, और यहाँ पे मैंने बनाया है एक, ये सबसे बड़ा खिलौना है। और ये शायद आपको एक, आप एक स्क्वायर से देखे, आप एक स्क्वायर से देखोगे और इसे घुमाओगे तो फिर इसके अंदर से एनिमेट होगा। और यहाँ पर है हमारा एक स्पेसशिप, यहाँ पर है एक ड्रैगन फेस की बैग। ये खिलौना जो है सबसे मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं अर्निश को इसके लिए 10 out of 10 देना चाहूंगा, क्योंकि और यहाँ पर है एक कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क, यहाँ पर ये स्पेसशिप है और ये डायनासोर की पेंटिंग। तो इस स्पेसशिप के पीछे क्लिप है जो इसे अटैच कर सकती है जिधर भी आप चाहे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास और बहुत सारी चीजें है। ये रही एक पिघली हुई आइसक्रीम। आप सोच रहे होंगे कि ये पिघल क्यों नहीं रहे, तो ये पिघल क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये नकली आइसक्रीम है जो मैंने बनाई है। ये है एक खजाने का मैप, आप इसे अंदर से रखना चाहते हो? बिल्कुल, देखेंगे इसको जरा थोड़ा सा आप। ये देखो, गुड। और ये पूरा पहले यहाँ से जाइए मॉन्स्टर प्लांट, फिर बड़ा सा सांप, शैडो लायन, बड़े बड़े पहाड़, शार्क्स, रोबोट,
एक हाइना के सिर वाला ड्रैगन रखा था ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने और बहुत कुछ। यहाँ पर है एक पायरेट शिप। और मैं आपको सेकंड बेस्ट आर्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? मैं आपको सिर्फ मिट्टी दिखा रहा हूँ, इसके अंदर एक सीक्रेट छुपा है। अरे ये तो काफी बड़े खजाने में कन्वर्ट हो गए। वाह, गेस कीजिए है क्या? तो आपको क्या लगता है ये प्राचीन चीज क्या है? दिख तो रहा है डायनासोर के जैसे, डायनासोर के फॉसिल। ये डायनासोर का फॉसिल ही है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से हथियार यानी स्टोन एज वाले ये दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? तो स्टोन एज के टाइम पर लोग ऐसे पत्थर से हथियार बनाते थे। पहले लकड़ी लेते थे, फिर कुछ रस्सियां लेते थे और फिर पत्थर को उससे बांध देते थे और शिकार करते थे। 2 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ और क्या क्या बनाया है। तो शायद इतना ही, काफी कुछ बनाया लेकिन आगे और भी क्वारंटाइन के काफी दिन है। यहाँ पर एक बाइक भी बना रहा हूँ। कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक में भी बना रहे हो? नहीं, ये सिर्फ एक बाइक है। वेरी गुड। तो थैंक यू अर्निश, इन छुट्टियों में आपने बहुत सारा खिलौना और सब कुछ बनाया। तो आपके जैसे जितने भी छोटे छोटे जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल के व्यूअर्स, उन सबको आपकी तरफ से आप कुछ मैसेज देना चाहोगे एक छोटा सा? कि जब भी आपको छुट्टियां लगे या फिर आप कहीं बाहर हो या फिर कहीं भी आप फ्री हो, तो हमेशा कुछ बनाने का सोचो। कभी कभी आप कुछ एंटरटेनमेंट टीवी वगैरह कर सकते हो, पर हमेशा नहीं। खाली टाइम में ऐसी चीजें करते रहो। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक आखिरी चीज बची है, ये देखिए, यहाँ के अंदर पिंग पोंग बॉल डालना है, ये 100 का और ये 50। तो हमेशा कुछ बनाते रहो और कभी रुकना मत। और ये आखिरी चीज है, ये रही एक पुराने कबीले का मास्क। आप सोच रहे होंगे मैंने स्टिकर वगैरह और ये असली चीज चिपका है, और ये सब मैंने बनाया है। इसके पीछे मैंने डेटी स्टिक की है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह कुछ बनाते रहिए और अपनी चीजों को। Thank you very much. Bye.